राजधानी दिल्ली से 900 प्रवासी मजदूरों का जत्था को लेकर ट्रेन अपने निर्धारित समय से लगभग 1.5 घंटे विलंब से पहुंची सहरसा रेलवे स्टेशन, जहां कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सभी मजदूरों का स्वास्थ्य परीक्षण के उपरांत फूड पैकेट व पानी का बोतल देकर बस से स्टेडियम भेजा गया, जहां से उन मजदूरों को बस के द्वारा उनके जिलों भेजा जाएगा। ट्रेन पहुंचने के पूर्व रेलवे स्टेशन पर जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक के अलावे कई आलाधिकारी मौजूद रहे। मौके पर मौजूद जिलाधिकारी कौशल कुमार ने इस बाबत बताया कि दिल्ली से कुल 900 प्रवासी मजदूरों का जत्था आया है। इस ट्रेन का 2 स्टॉपेज दानापुर व बरौनी स्टेशन पर था, जहां संबंधित जिलों के प्रवासी उतर गए थे। यहां कुल 600 प्रवासी मजदूर उतरे हैं, जिसमें से 230 सहरसा जिले के हैं। पर हमारी सारी तैयारियां पूरी है, यहां सभी प्रवासियों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है, फिर यहां से उन सभी को बसों से स्टेडियम लाया जाएगा, वहां से उन्हें संबंधित जिलों में बसों के द्वारा भेज दिया जाएगा। आज दिल्ली से चल के ट्रेन आई है, टोटल 900 पैसेंजर इसमें हैं और लेके 230 पैसेंजर हैं, बाकी और जिलों के हैं। सभी को स्टेडियम सरना स्क्रीनिंग के बाद लेने के बाद स्टेडियम में आया जा रहा है। जो दूसरे डिस्ट्रिक्ट है उनको बस से रवाना कर देंगे, अपने डिस्ट्रिक्ट वालों को हम लोग वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करके वहाँ क्वारंटाइन कर देंगे। रास्ते में परेशानी हुई आपको? खाना कहाँ कहाँ मिला? खाना बस कानपुर में मिला, एक जगह मिला। वहाँ क्या समस्या थी आप लोगों को? वहाँ क्या क्या समस्या आप लोगों को? वहाँ पर हम लोग को बस खाने का दिक्कत था। टिकट का किराया भी लगा है? नहीं टिकट। अच्छा, यहाँ आप आ रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? अपने गाँव मतलब बहुत अच्छा महसूस। क्या नाम हुआ आपका?